अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों? कक्षा 4 के लिए आज हम नवा पाठ रानी चेन्नम्मा का लिखित अभ्यास देखेंगे। आज किसका लिखित अभ्यास देखेंगे बच्चों? हम रानी चेन्नम्मा ही है ये। हाँ जी, कौन सा पाठ है ये? वीरांगना रानी चेन्नम्मा, ठीक है। इसका हम लिखित अभ्यास आज हम देख रहे हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, शब्दार्थ देखेंगे आज हम। ये क्लास वर्क में लिखना है बच्चों, आपकी नोटबुक में। राजवंश डायनेस्टी, राजवंश यानी डायनेस्टी। माता पिता पेरेंट्स, ज्ञाता नॉलेजेबल, ये जो पता हो हर चीज़। संपन्न प्रॉस्परस, गद्दी थ्रोन, हमला अटैक, राजकुमारी प्रिंसेस, पालन पोषण ब्रिंग अप, निपुण एक्सपर्ट, मृत्यु डेथ, संतान चाइल्ड, सहयोगी कंपेनियन, है ना बच्चों? फिर से एक बार देखिए, राजवंश डायनेस्टी, माता पिता पेरेंट्स, ज्ञाता नॉलेजेबल, संपन्न प्रॉस्परस, गद्दी थ्रोन, हमला अटैक, राजकुमारी प्रिंसेस, पालन पोषण ब्रिंग अप, निपुण एक्सपर्ट, मृत्यु डेथ, संतान चाइल्ड, सहयोगी कंपेनियन। ये है शब्दार्थ, आपको वन टाइम अच्छे से नीट हैंड राइटिंग से नोटबुक में लिखना है। फिर इस पाठ से संबंधित 3 मुहावरे भी है बच्चों। मुहावरे यानी आइडियंस। चल बसना यानी मृत्यु होना, चल बसना यानी मर जाना, गुजर जाना, ठीक है। चल बसना मर जाना, मृत्यु होना, खदेड़ देना यानी भगा देना। मैंने फौजियों को जंग में खदेड़ दिया, इस तरह से मृत्यु होना। गांधी जी की मृत्यु हो गई, इस तरह से धावा बोलना, हमला करना। कलेक्टर ठैकरे ने रानी चेन्नप्पा पर हमला कर दिया। धावा बोलना, हमला करना, इस तरह से आपको वाक्य भी बना सकते बच्चों। चल बसना यानी मृत्यु होना, खदेड़ देना यानी भगा देना, धावा बोलना यानी अटैक करना, हमला करना, ठीक है। ये है मुहावरे, याद रख लिए, इससे इसका अर्थ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सही विकल्प चुनिए यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। रानी चेन्नम्मा का जन्म किस राजवंश में हुआ था? चोल में, चोला डायनेस्टी या चंदेल, काकतिया या बुंदेल। तो काकतिया में हुआ था उनका जन्म, काकतिया राजवंश में हुआ था। रानी चेन्नम्मा राजकाज में किसकी मदद करती थी? राजा धूलप्पा चंदेल, राजा रुद्रसरज, राजा अनंग, राजा रुद्रसरज। सन 1824 में कित्तूर पर हमला किसने किया था? कलेक्टर थाइकरे या विलियम बैंटिक, लॉर्ड डलहौजी, जनरल वॉकर। किसने किया था? कलेक्टर थाइकरे ने किया था, ठीक है। पहला है काकतिया, दूसरा है राजा रुद्रसरज, तीसरा है कलेक्टर थाइकरे। इसके बाद देखिए, पाठ के आधार पर वाक्यों का क्रम 1, 2, 3, 4 लिखकर बताइए। यानी ये वाक्य ऊपर नीचे है बच्चों पाठ से संबंधित, तो हमें पहला कौन सा आता, दूसरा वाक्य कौन सा आता इस पाठ से संबंधित, उस तरह से हमें 1, 2, 3, 4 लिखना है। तो सब में पहला आएगा राजा रानी ने उनका पालन पोषण राजकुमारों की भांति किया। राजा रानी ने उनका पालन पोषण राजकुमारों की भांति किया। दूसरा है चेन्नम्मा का विवाह राजा मलसरज के साथ हुआ। तीसरा है शिवलिंग की कोई संतान नहीं थी,
संतान नहीं थी, यानी रानी चन्नम्मा का बेटा था शिवलिंग, यानी उनकी जो राजा किसके साथ उनका विवाह हुआ था, मालसराज के साथ हुआ था, तो उनकी बड़ी पत्नी का बेटा था शिवलिंग, तो उसकी भी कोई संतान नहीं थी। चौथा है, रानी चेन्नम्मा के सैनिकों ने ठाकरे को खदेड़ दिया, यानी भगा दिया। रानी चेन्नम्मा के सैनिकों ने ठाकरे को खदेड़ दिया, ये है चौथा। पहला है ये, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। बच्चों ये भी क्रम में लिखिए, लिखकर हिंदी की क्लास वर्क में लिखिए बच्चों ये, ठीक है। यहाँ तक देखिए, हम फिर बाद में से देखेंगे शेष भाग, ठीक है। धन्यवाद।